सबसे पहले समझते हैं डेटम हेड, ये सब हेड जो है इसका क्या मतलब हुआ है। जैसे कहीं भी जो है कोई पाइप है, मान लो कि ऐसा कोई पाइप है, तो डेरिवेशन तो हुआ ही। अब ये सब इसको अलग से समझते हैं हम लोग, ये कोई पाइप है ना, तो ये पाइप में यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा मान लो, तो वो मान लो कि प्रेशर P1 होगा, और यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा उसको हम लोग P2 बोल लेंगे। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा उसको हम लोग V1 बोल लेते हैं, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा उसको हम लोग V2 बोल लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रेशर वाला समझ में आ गया कि प्रेशर अवेलेबल। अब जेड नहीं समझ में आ रहा होगा कि जेड क्या है, तो जेड को हम लोग डेटम हेड भी बोले हैं। डेटम हेड का मतलब हुआ, जेड का मतलब हुआ कि कोई कोई पाइप फ्लो करता है ना, तो कोई एक रेफरेंस लाइन जोड़ लेते हैं उससे जो है, कोई पहला पॉइंट जो है कितना ऊंचा है उसको हम पहले पॉइंट का डेटम बोलते हैं या जेड बोलते हैं। ये दूसरा पॉइंट जो है उसका उस रेफरेंस से ही, ऐसा नहीं कि इसका कहीं और से ले लो, इसका कहीं और से ले लो, तो इसलिए एक ही रेफरेंस से दोनों जगह का हम लोग को हेड समझ में आया। जैसे ये धरती है मान लो, ये पाइप है, तो धरती से ही दोनों का हो, ऐसा ना कि ये तो यहाँ पर धरती से ले लीजिए, दूसरा कहीं कोई सीढ़ी पर से ले लीजिए ना, कहीं सीढ़ी लगा हुआ है तो वहाँ से ले लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जेड समझने के लिए ये लाइन बनाए हैं, इसको हम लोग ये डैटम लाइन बोलते हैं ना, ये डैटम लाइन है। डैटम लाइन मतलब रेफरेंस लाइन हुआ है ना। तो यहाँ से अब इसका हाइट जो है ये, इसके इसके सेंटर वाला लाइन, सेंटर वाला जो पॉइंट होता है ना उसको मेन कंसीडर करते हैं। तो ये जो हाइट हुआ, अगर ये जेड है, इस पहले वाला पॉइंट है तो इसको Z1 बोलेंगे, और ये दूसरा वाला पॉइंट है तो इसको हम Z2 बोल देंगे। तो ये डेटम है ना, ये डेटम हेड है, पहले वाले पॉइंट का डेटम हेड Z1, दूसरे वाले का Z2। यहाँ पे प्रेशर होगा P1, यहाँ पे वेलोसिटी V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे है ना, यहाँ प्रेशर P2 V2। तो अब अगर बोलेगा कि आप जो है ये इसके लिए बर्नौलीज इक्वेशन बनाइए, इन दोनों पॉइंट के लिए बर्नौलीज इक्वेशन बनाइए, तो बर्नौलीज इक्वेशन हम लोग का होगा, बर्नौलीज इक्वेशन जो होगा हम लोग का वो कैसे बनेगा। पहले पॉइंट के लिए बर्नौलीज इक्वेशन होगा क्या था, P1 by W, ऐसे ही था ना, P by W। तो P पहले पॉइंट के लिए P1 by W प्लस V² by 2G था, तो होगा V1² by 2G प्लस Z1 था, Z था तो हम लोग Z1 के लिए Z1 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका उस यहाँ पे जो ये टोटल था और यहाँ पे जो टोटल था, लिख रहा है कि कांस्टेंट होता है, जैसे क्वांटिटी इक्वेशन कैसे था, A into V कांस्टेंट होता है, हम लोग A1 into V1 इसको A2 into V2 कर दिए। इसी तरह इसमें जो भी ये निकल के आया है वो पहले पॉइंट के लिए जितना होगा उतना ही दूसरे पॉइंट के लिए होगा, क्योंकि ये टोटल कांस्टेंट होना है। इक्वेशन हम लोग ऐसे बना लेते हैं कि वही सारा चीज़ पहले पॉइंट के लिए लिखते हैं और वही सारा चीज़ इक्वल टू करके दूसरे पॉइंट के लिए भी लिख देते हैं। तो ये P2 by W प्लस V2² by 2G प्लस Z2, ठीक है, ऐसे बर्नौलीज इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। होप दिख रहा होगा आप लोग को और समझ में भी आ रहा होगा कि ये क्या है ना, इसको अच्छे से समझोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसमें देखिए, मतलब ये पहले पॉइंट का सारा इन्फॉर्मेशन है, ये दूसरे पॉइंट का है, तो अब इसमें क्वेश्चन कैसा पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि सारा इन्फॉर्मेशन बता देगा, एक दो मिसिंग रखेगा, है ना, जैसे दूसरे पॉइंट का वेलोसिटी नहीं बताएगा, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन P1 V1 Z1 ये सब बता देगा, तो उससे आपको ये निकल जाएगा दूसरा, मतलब वेलोसिटी निकल जाएगा दूसरे पॉइंट का अगर पूछा होगा तो। वो तो क्वेश्चन बनाने का तरीका हुआ, इस तरह से क्वेश्चन बनाना है, वैल्यू रखना है, क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसका सेंस है ना कि क्या मतलब होता है इसका, इसका प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे कि क्या मतलब होता है ना, कि ये सब कहानी क्या कह रहा है। तो ये बता रहा है कि इसमें अगर आप लोग गौर से देखिए, अगर जेड को इग्नोर कर दिया जाए, अगर दोनों दोनों का लेवल अगर सेम होता, मान लो कि हम लोग इसको साइड में बना रहे हैं कि अगर दोनों का लेवल जो है, अगर कोई ऐसा चीज़ है, ऐसा लेटा हुआ चीज़ है, तो वहाँ पे क्या होगा कि दोनों का जेड तो सेम ही हो गया ना, कि डेटम से यहाँ Z1 और Z2 दोनों बराबर ही होगा, कोई भी डेटम से ले लो अगर, तो है ना, कोई भी डेटम होगा Z1 Z2 बराबर होगा तो कट जाएगा, तो वहाँ बचेगा सिर्फ P1 by W प्लस V1² by 2G इक्वल टू P2 by W प्लस V2² by 2G, है ना। तो इससे ये समझ में आ रहा है हम लोग को कि कहीं पे भी अगर जैसे ही यहाँ पे प्रेशर घटाओगे तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, है ना, या इसमें कहीं पे इसका वेलोसिटी घटाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना, यही समझ में आ रहा है ना इसमें। अगर हेड सेम है तो, अगर हेड को तिरछा कर दोगे तो हेड का भी रोल चालू हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को समझने के लिए, कोई लेटा हुआ चीज़ है तो उसको समझने के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है कि कोई पेपर है, जैसे यही पेपर है, इसको ऐसे फोल्ड कर लो पाइप के शक्ल में, है ना, पाइप के शक्ल में ऐसे फोल्ड कर लीजिए, और जैसा ये लेटा हुआ है ऐसे ही बना लीजिए, है ना। अब क्या कीजिए आप,
इसमें इधर से फूकी, इसको इधर से फूकिएगा, इधर से फूकिएगा तो क्या होता है देखिए, कभी ये जो है चिपक जाता है, जो है इसका सरफेस जैसे कागज जैसे ये होता रहता है ना, ऐसे राउंड किया हुआ रहता है, इधर से फूकोगे तो ये चिपक जाएगा ऐसे कागज जो है। तो हालांकि होना चाहिए कि आप फूक रहे हो तो ये पूरा फैलना चाहिए और, लेकिन चिपक जाता है। तो ये होता ये है, ऑलरेडी इसके अंदर कुछ प्रेशर है, कुछ वेलोसिटी है ना, आपने इस पे एक्सटर्नल कुछ लगा दिया, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया, तो अब क्या हुआ ना कि प्रेशर बढ़ा दिए आप, ये सॉरी आपने इधर से इसमें फूका कस के ना, तो आप इसको वेलोसिटी दे दिए है ना, आप इसको वेलोसिटी दे दिए, वेलोसिटी बढ़ा दिए, तो इसका प्रेशर अपने आप कम हो जाता है अंदर में, अंदर में जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो अंदर में प्रेशर कम हो जाता है, अब बाहर में एटमोस्फेरिक प्रेशर तो उतना ही है ना, बाहर में एटमोस्फेरिक प्रेशर तो उतना ही है, तो वो बेचारा वो एटमोस्फेरिक प्रेशर अनबैलेंस होकर नीचे को दबाने लगता है ना। ऑलरेडी अभी क्या था, कोई पेपर ऐसे तुम ऐसे राउंड करके इसको ऐसा बनाए हो, अंदर में भी एटमोस्फेरिक प्रेशर है, बाहर में भी एटमोस्फेरिक प्रेशर है, तो ये बैलेंस बना हुआ है। जैसे फूकते हो या खींचते हो तो क्या होगा कि ये जो है इसके अंदर जो है वेलोसिटी बढ़ने के वजह से प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर डाउन हो जाता है, प्रेशर डाउन हो जाएगा, बाहर से प्रेशर जो है वो तो है ही है जो है, तो वो ऐसे चिपक जाता है। ये करके देख सकते हो, अभी कर लो आप लोग करना चाहते हो तो, है ना, तो ये ऐसा होता है, तो ये चिपक जाता है ऐसे, ठीक है। और इसको ऐसे भी समझना चाहते हो तो आप लोग देखे होंगे कभी कि अगर कहीं मग में या कहीं पे भी बाल्टी में या ड्राम में किरोसिन निकल, जो लोग बेचते हैं डीलर लोग, उन लोगों को देखोगे कि इसमें किरोसिन भरा हुआ रहता है, तो यहाँ से जो है किरोसिन खींचने के लिए कोई छोटे वाले पॉट में रखने के लिए कोई पाइप घुसाते हैं, ऐसे पाइप है ना, पाइप घुसाते हैं और उसको उसको खींचते हैं, देखोगे ऐसे सुरुकते हैं ऐसे, इसमें जो है इधर से खींचना शुरू करते हैं ऐसे, है ना, इसको इसको स्पीड अप करते हैं, मतलब ऐसे करके खींचते हुए दिखता होगा, जैसे खींचते हैं तो कुछ देर के बाद इसका किरोसिन जो है, या अगर पानी है तो पानी खींच के इधर आना शुरू हो जाता है ना, तो होना तो नहीं चाहिए ऐसा। हाँ, उसका छोड़ देते हैं कुल्ली करते हुए, जैसे अगर मुँह में भी आ जाता है तो उसको छोड़ देते हैं, देखे होगे, या पानी आप बच्चेपन में ही जो खेलते हैं ऐसे, है ना, किस तरह से करके। तो आखिर क्या होता है यहाँ पे, तो होता ये है कि इसके अंदर यहाँ पे एटमोस्फेरिक प्रेशर था पहले, है ना, और इस पाइप के अंदर भी एटमोस्फेरिक प्रेशर था, तो पानी जो है बस जितना पाइप डूबा है बस पाइप उस डूबे वाले पोर्शन तक ही जो है पानी रहता था, लेकिन जैसे आप इसको खींचे इसके अंदर जो है स्पीड बढ़ गया, इस पाइप के अंदर स्पीड बढ़ गया, स्पीड बढ़ा तो इसके अंदर क्या घट गया, प्रेशर घट गया, एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं रह गया इसके अंदर, हाँ है ना, तो प्रेशर घट गया, एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं रह गया, बहुत कम हो गया, तो पानी जो है ऊपर अपने आप उठने लगा, इधर से एटमोस्फेरिक प्रेशर इधर से दबा रहा है ना, इस ये कमजोर पॉइंट मिल गया उसको कम प्रेशर वाला, तो ये उठने लगता है, तो ये उठ के इधर गिरने लगता है ना, खींच के उसके बाद चालू ही हो जाता है, उसके बाद इसको जैसे डुबा दो उसमें तो पानी गिरना ही शुरू हो जाता है, ठीक है, तो ये सेंस काम करता है। अब यही उल्टा करते, अगर इसको फूक देते, आप बोलोगे कि इसको फूकेंगे, अगर इधर उल्टा फूक देंगे खींचने के बजाय अगर फूकेंगे, तो फूकने पे पानी बाहर नहीं आता है, फूकने पर भी तो आप कहोगे कि स्पीड तो बढ़ी जाना गया ना, ये वेलोसिटी बढ़ गया, प्रेशर घट जाना चाहिए, तो पानी क्यों नहीं आता है बाहर, तो जैसे इधर से फूकोगे ना तो उससे वेलोसिटी नहीं बढ़ता है, इवन कि चूंकि यहाँ पे लॉक है ना, इधर से दोनों तरफ से खुला हुआ था इसलिए फूकने पे वेलोसिटी बढ़ गया था, यहाँ पे ये इधर आप इसको डुबा दिए हो तो अभी फूकोगे ना तो और इवन प्रेशर मतलब वेलोसिटी बढ़ने के बजाय प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि इसको पानी निकलने के लिए कोई जगह नहीं है, इसके अंदर जो एयर है तो और एयर एक दूसरे से कंप्रेस होके और प्रेशर ही बढ़ जाता है ना, तो प्रेशर घट के ना के बढ़ जाता है, इसलिए खींचा जाता है, खींचोगे तो इधर इसके जो मॉलिक्यूल हैं खींचने लगते हैं, प्रेशर घट जाता है और ये पानी ऊपर उठने लगता है, यहाँ पर एटमोस्फेरिक प्रेशर है, इसको वीक पॉइंट मिल जाता है तो इसे उठ जाता है। होप ये समझ गए होगे आप, है ना, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं था, खेल है, है ना, इक्वेशन भी सेट करना आप लोग समझ गए होगे कि कैसे कैसे सेट करना है, इसी पे क्वेश्चन भी बनेगा सारा अभी, है ना, कोई दिक्कत है बताइए, चलिए अच्छी बात है। अब जो है एक्चुअल में जो ये जो मतलब ये होता है हम लोग का ये जो पाइप होता है, तो उन्होंने एज्यूम न कर लिया कि ये आइडियल फ्लो हो रहा है ना, कोई कोई इसको ये सरफेस जो है इसको फ्रिक्शन नहीं देगा, पानी एकदम बड़े आराम से फ्लो करेगा, ये उन्होंने एज्यूम न कर लिया था। एक्चुअल में पाइप वैसा नहीं होता है, पाइप फ्रिक्शन देता है फ्लो होने में, है ना, तो कोई एक अलग एनर्जी जो है पाइप जो है वर्क कर रहा है, तो पाइप क्या करता है उस पूरे एनर्जी को जितना इधर से चला होता है
उस एनर्जी को घटा देता है थोड़ा सा। एक्चुअली में जितनी एनर्जी से यहाँ से निकलता है उतना एनर्जी से वहाँ नहीं पहुँच पाता है ना, एनर्जी थोड़ा सा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो बर्नौलीज ने वो समझ रहा था कि हमने तो एज्यूम किया है ना, तो हमने जो ये जो फॉर्मूला जो बनाया उन्होंने वो फॉर आइडियल फ्लूड के लिए था। तो आइडियल फ्लूड तो होता ही नहीं है, फ्लूड तो ऐसे में रियल होता है ना, तो फॉर रियल फ्लूड के लिए जो है, फॉर रियल फ्लूड के लिए इन्होंने इसी फॉर्मूला को मॉडिफाइड कर दिया। फॉर रियल फ्लूड उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो दूसरे जगह पॉइंट है, ये वाला जो टर्म है ये पूरा, इससे थोड़ा सा कम होता है ना, तो इसमें वो कम कितना होगा, जितना कि लॉस हो गया है ना। उन्होंने इसी इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया, उन्होंने लिखा कि पी वन बाई डब्ल्यू प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड वन इक्वल टू होगा पी टू बाई डब्ल्यू प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू जी, मतलब सेकेंड वाली लोकेशन के लिए है, प्लस जेड टू। लेकिन आप बोल रहे हो कि ये टर्म जो है कम हो जाता है, एक्चुअली में कम हो जाता है, तो कितना कम होगा कि जितना लॉस हो गया, तो इसमें हम लॉस जितना होता है उसको ऐड कर देते हैं, उसको हम एच एल लिखते हैं। एच एल मतलब लॉस ऑफ हेड है ना। एच एल क्या है, एच एल इक्वल टू है लॉस ऑफ हेड, किसके वजह से, ड्यू टू मेनली किसके वजह से, फ्रिक्शन। ऐसे और अदर चीज भी फैक्टर होता है, तो वो हम लोग डिटेल में अभी जो नेक्स्ट यूनिट है इसका जो है उसमें यही पढ़ना है कि लॉसेस जो हैं कैसे होते हैं, किस वजह से होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, ये लॉस के बारे में ही नेक्स्ट यूनिट हम लोग का पढ़ना है, जो सिक्स फिफ्थ यूनिट है ना। तो ठीक है, वो भी इंटरेस्टिंग है। तो ये जो एच एल के बारे में बाकी डिटेल जो है हम लोग नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, बस ये मान के अभी चलते हैं कि ये जो है लॉस ऑफ हेड है। लॉस ऑफ हेड क्या, हेड तो एनर्जी ही है ना, अब हम लोग बोल ही रहे हैं कि एनर्जी को ही हम लोग हेड के टर्म में लिख रहे हैं। ये लॉस ऑफ एनर्जी हेड है जो कि किसी वजह से, खास करके फ्रिक्शन की वजह से यहाँ से वहाँ जाने में वो घट गया है ना। तो ये जो है मॉडिफाइड उनका मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन है, ये मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में ये है, लेकिन ये जो है रियल फ्लूड के लिए, रियल फ्लूड में कुछ कुछ लॉस होता है, यही वजह है कि पानी का टंकी बहुत ऊंचा रहता है, लेकिन हर घर में जितना पानी का टंकी ऊंचा है उतने तक पानी नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि बीच में जो है बहुत सारे लॉसेज होते हैं, जितना भी पाइप से गुजर के आता है थोड़ा थोड़ा उसका एनर्जी खत्म होता जाता है ना। ठीक है, समझ गया ये बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए।